चोरी हो जाता है उसको 4 घंटे के अंदर अंदर ढूंढ के ले आती है, आप में बोल सकती है, आप में वो आ सकती है कि आप सरकार का वो है दम, आप ढूंढ के ला सकते हो। लेकिन ये हमको आप ये ऐसे नहीं करें, हमारे बच्चे की जान गई है, हमको कितना रोष है, हमारे कितना दुख है। लेकिन सर हमको ऐसे आप वो नहीं करें, आप इसको कार्रवाई करके आप आदेश दें, आदेश दें तो अभी आ सकते। जागृति हो रही है, हमको सर गुमराह किया जा रहा है। देखो हम भी वो हमें सर क्यों नहीं, 3 दिन का हमको एस पी साहब ने हमको जब हमको आदेश दिया, हमको सांत्वना दी, लेकिन उसका क्या हुआ सर? मेरी बात, इस चीज़ को क्यों समझने का प्रयास करें, हमको ये गांव में बच्चा घूम जाता तो उसको भी ढूंढने में टाइम लग जाता है, जो छुप रहा है। अजमेर ज़िले के नरवर गांव है जो पुष्कर विधानसभा में पड़ता है, उसमें रैगर समाज का रोहित लड़का था, वो पेट्रोल भराने गया, पेट्रोल भराने के बाद में वो अपने पैसे पेट्रोल के कर्मचारियों से मांगता था 5,000 रुपये, उन्होंने पैसे मांगे तो उन्होंने उनको जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज दी और फिर उसको मारपीट भी की। मारपीट करने के बाद में उनके पिताजी को फ़ोन किया मालिक ने, तो वो उनके पिताजी उनको घर पर ले गए, फिर भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। और रास बिहारी जो उस पेट्रोल पंप के मालिक हैं, उन्होंने दादागिरी से कहा, साले चमड़ा डेरा तेरी क्या औकात, जो इस तरह से तू यहाँ पेश आया है आज तेरे को मार के छोड़ेंगे। तो वो अपने घर पे गया, घर से फिर उसको बुलाया, बुलाने पर वो जो गेगल की जो चौकी है वहाँ गए, वहाँ उनको न्याय नहीं मिला, पुलिस वालों के सामने उनको मारा पीटा, उनको भगाया उनके परिवार वालों को, लेकिन पुलिस वालों ने मूक दर्शक देखते रहे सर। इसलिए रात के 12:30 बजे फिर पुनः उन्होंने योजना बनाई, योजना बना के 2-4-6 व्यक्ति आए जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, और उन्होंने पेट्रोल लेके और पेट्रोल डालकर उसको सरेआम उनको जलाने का काम किया, और वो 70% की स्थिति में जल चुका था, उसको जेएनएम इस अस्पताल में या जेएनयू में कराया, भर्ती कराया, और भर्ती कराने के बाद में आज वो 14-15 दिन से मौत और जीवन में लड़ता रहा, लेकिन आज उसकी बेचारे रोहित की मौत हो चुकी है। हम चाहते हैं कि राज बिहारी जो मेन हीरो है, जिसने सारा षड्यंत्र रचा, उसको आज तक भी पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा है, और जो परिवार के पीड़ित हैं, जिनका बच्चा गुजरा है, मरा है आग से, उनको एक करोड़ रुपए का उनको मुआवजा चाहिए, एक व्यक्ति को नौकरी भी चाहिए, और रास बिहारी को तुरंत प्रभाव से वो गिरफ्तारी चाहिए सर। और बेटे जब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, जब तक रास बिहारी को यहाँ पकड़ा नहीं जाता है और हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है। जी सब नहीं, सब नहीं लेंगे सर, चाहे 4 दिन हो जाए, चाहे 2 दिन हो जाए, चाहे 8 दिन हो जाए सर, क्योंकि ये वारदातें बार बार होती रहती हैं, यहाँ की जो प्रशासन है सोया हुआ है और राज्य सरकार भी सोई हुई है। आपका नाम? मैं निरंजन सिंह एडवोकेट, जॉन प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी, अजमेर। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, आरोपियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, पुत्रगढ़ को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पुत्रगढ़ को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आरोपी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।